तो सनविक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई गिरधारी रहता था जो फलों का ताजा रस निकाल कर लोगों को बेचता था। नगर में फलों का रस बेचने वाली कई दुकानें थीं। तब भी गिरधारी का व्यापार औरों की तुलना में बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि वह दूसरों की तरह निकाले गए रस में कोई मिलावट नहीं करता था। गिरधारी का सुरेश नाम का एक ही पुत्र था। वह अपने पिता गिरधारी से बार बार कहता, हमारे यहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगती है, क्यों ना हम अपने निकाले गए फलों के रस में थोड़ी बहुत पानी मिलाकर मिलावट कर दें। हमें यहाँ कौन देख रहा है, इससे हम और ज्यादा धन कमा सकते हैं। लेकिन गिरधारी अपने पुत्र को समझाते हुए साफ मना कर देता है, ऐसा ख्याल तुम कभी मन में भी मत लाना। कुछ दिनों के बाद एक दिन गिरधारी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण पुत्र सुरेश फलों का रस बेचने का काम करता है। दिन भर वह लोगों को फलों का रस बेचने के बाद जब शाम को अपने घर आकर पिता को बताता है, ये देखिए आज मैंने कितना धन कमाया है। यह देखकर गिरधारी को अचंभा होता है और पूछता है, ये इतना धन तुमने कैसे कमा लिया। पुत्र सुरेश बताता है, आज ग्राहक ज्यादा आ गए थे और निकाले गए फलों के रस की मात्रा कम थी, इसलिए मैंने रस में थोड़ा पानी मिलाकर मिलावट कर दी, जिससे सभी ग्राहकों को रस पीने को मिल जाता है। यह सुनकर गिरधारी नाराज हो जाता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। नहीं पुत्र, तुम्हें देखा। तो बता विक्रम, जब पुत्र ने बताया मिलावट करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो उसका पिता गिरधारी नाराज क्यों हुआ और ऐसा क्यों बोला कि उसे किसी ने देखा। तो सुन बेताल, गिरधारी ईमानदार व्यापारी था। वह दूसरों की तरह निकाले गए फलों के रस में जरा सी भी मिलावट नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी ईमानदारी के कारण ऊपर वाला उस पर मेहरबान था और दूसरे व्यापारियों की तुलना में ज्यादा धन भी कमाता था। यदि गिरधारी दूसरे व्यापारियों की तरह मिलावट करेगा तो ऊपर वाला उस पर मेहरबान नहीं रहेगा, जिससे वह ग्राहकों का विश्वास खोकर और व्यापारियों की तरह साधारण धन कमाता रहेगा। इसी कारण गिरधारी ने अपने पुत्र से बोला कि उसे किसी ने देखा। गिरधारी का आशय ऊपर वाले से था। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।